Assalamualaikum and good morning everyone. Ek naya din, ek nayi umeed, naye josh, naye iraadon ke saath Kiran aapke samne. Kal ki recipes waqai bahut maze ki thi. Main to meetha aur wo jo unhone Mediterranean pita bread ke upar banaya tha wo main lekar chali gayi thi. Maine kyunki shaam mein khaya to usko maine ye kiya ke tawe pe ya frying pan pe halka sa oil dal ke usko rakh diya halki aanch pe. To wo niche se itna crispy base ban gaya aur upar se wo chicken ka flavor aur vegetables aur wo sauce बहुत मज़े का था और मीठा तो खैर आपको पता ही है मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ लेकिन वो ऐसी डिशेस थी कि आप घर में बनाएंगे आपको मज़ा आएगा मीठा इस तरह का पहले भी हमारे शो पे काफ़ी बन चुका है लेकिन वो शायद पाइनएप्पल फ्लेवर की जो जेली उसमें डाली थी वो एक अलग टेस्ट उसमें कुछ आ रहा था दही के साथ का और क्रीम के साथ का तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आज की रेसिपीज़ देखते हैं कैसी बनेंगी क्योंकि जो हमारे शो पर आई हैं वो फ़र्स्ट टाइम आई हैं एज़ यूजुअल हमारे शो पर ज़्यादातर नए लोग आते हैं नया टैलेंट आता है एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने आपको दिया हुआ है कि आप लोग यहाँ आकर अपना टैलेंट शेयर कर सकते हैं और जो भी हुनर आप में है जो अच्छे अच्छे खाने आप लोग जानते हैं आप लोग सबको सिखा सकते हैं तो आज की भी जो हमारी गेस्ट हैं वैसे तो वो फार्मेसी पढ़ रही हैं और इनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है लेकिन कुकिंग में इनका इंटरेस्ट इनका रुझान ज़्यादा है क्योंकि ये अपना ऑर्डर्स वगैरह भी लेती हैं और बेकिंग की साइड पर इनफैक्ट ज़्यादा ये अभी मुझे केक्स की तस्वीरें भी दिखा रही थी अपने मोबाइल पे और मैंने इनसे पूछा अभी आगे चूज़ क्या करना है फार्मेसी चूज़ करना है या ये कुकिंग की साइड चलिए ऑब्वियसली यही तो मैंने कहा क्यों फिर फार्मेसी आप पढ़ी वो तो लेना होता है कुछ ना कुछ तो डिग्री लेनी पड़ती है ना मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है अभी ज़रा इनसे बात करते हैं इस हवाले से आइए वेलकम करते हैं मैमूना को अस्सलाम वालेकुम मैमूना आ जाइए तशरीफ़ रखिए वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स क्या हाल चाल है अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है हाँ जी फार्मेसी छोड़ के आ जाएंगी कुकिंग पर अम्मी अब्बा ने बोला होगा पढ़ो 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 एग्जैक्टली उन्होंने कहा था डिग्री तो चाहिए है मस्त है बट आई वाज वैसे एक तरह से सही भी होता है कि डिग्री हो कुछ ना कुछ कभी ना कभी काम आ ही जाती है एग्जैक्टली होता पेपर ही है कई लोग ऐसे डॉक्टर्स बन के हाउसवाइफ बन जाते हैं बट यू नो मुझे शौक ज़्यादा था बेकिंग और कुकिंग का तो आई वॉज लाइक ओके फार्मेसी एक दफ़ा कर लेते हैं साइड पे देन I'll continue with this field. चलो गुड तो यू नो बाद में फिर सारे अपने शौक आराम से मैं पूरे करूँ अभी सपोर्टिंग सपोर्ट मिल रहा है माँ बाप से काफ़ी ज़्यादा मेरी मदर हैं वो आईवी भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं मेरे मेरी फैमिली में भी पहले हालांकि नहीं था इतना देवर लाइक नहीं पढ़ाई 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 बट नाउ देवर लाइक ओके तुम्हें इतना शौक है तो साइड में करते रहो तो ये शौक कैसे खुद से आ गया या कुछ देखकर खुद से नहीं असल में मामा की तरफ से ही आया आई बिलीव क्योंकि एज अ किड शी वाज मतलब मैं जब छोटी थी तो उनके साथ ही किचन में बेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा मामा भी बेकिंग करती मामा करती थी बहुत ज़्यादा मतलब एवरी वीकेंड कुछ ना कुछ नया बन रहा होता था तो मैं उनके साथ ही यू नो मैं मतलब उनकी हेल्प करने के लिए बेसिकली तो वो साइड में कुछ भी छोटा मोटा काम दे दिया करती थी एंड उससे मेरा इंटरेस्ट आगे से गलत माए शुरू में यही एग्जैक्टली छोटा मोटा काम जैसे कीप मी बिजी है अच्छा अच्छा तो बस इस तरह से मेरा शौक डेवलप हुआ एंड आई एम हियर तो मैमूना आप कोई पेज रन करती हो ऑर्डर्स वगैरह चले रही हो एक्चुअली फेसबुक पे पेज है डी केक गैलेक्सी के नाम से द केक गैलेक्सी द केक गैलेक्सी अच्छा तो ऑर्डर्स वगैरह मैं ले रही हूँ एंड अभी लास्ट टू ईयर्स से मैंने बेसिकली स्टार्ट किया है एंड अल्हम्दुलिल्लाह तो घर में काम अच्छा। सारा खुद ही करती हूँ ऑर्डर्स वगैरह आते हैं केक्स के ज़्यादातर आते हैं केक्स के आते हैं केक्स ब्राउनीज एंड अच्छा। बेकिंग स्टाफ सारा और सब खुद ही अब मैनेज करती हूँ हाँ सब खुद ही कर मतलब नहीं मामा वैसे यूजुअली हेल्प बहुत ज़्यादा करती अच्छा। हैं मेरी इसमें जैसे कोई यू नो इंग्रेडिएंट्स वगैरह नहीं है घर में तो वो लाना ले जाना ऑर्डर्स यूजुअली अगर एंड टाइम पे मुझे डिलीवर करवाने तो उसमें बहुत ज़्यादा मामा हेल्प करती हैं अच्छा, अच्छा। तो ये है अल्लाह का शुक्र है सपोर्ट बहुत ज़्यादा है मेरी फैमिली की तरफ से और फार्मेसी करना और फिर साथ साथ ये भी करना मैनेज करना इट इज़ अ टफ जॉब बट यू नो यू हैव टू डू साल है ना आखिरी सेमेस्टर है फिर रिलैक्स हो जाओगी इंशाल्लाह वेरी गुड अच्छा आज की रेसिपीज की खास बात क्या है ब्राउनीज बना रही हैं या ब्राउनीज बना रही हूँ एंड उसमें ख़ास बात ये है कि ये मेरी अपनी रेसिपी है सारी या अम्मी की कोई रेसिपी नहीं सिखा रही हो आज नहीं मामा की रेसिपी है हांडी रेशमी हांडी अच्छा हांडी तो ये काफ़ी अरसे से मैं बना रही हूँ एंड स्पेशली ब्राउनीज ये तो अच्छा। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स वगैरह में भी यू नो मैं डिस्ट्रीब्यूट करती रहती हूँ अच्छा। तो काफ़ी पसंद किया जाता है अच्छा वाज लाइक ओके लेट्स ये कैसी वाली है थोड़ी च्यूई वाली ये फज है ये ऑल फज है अच्छा अच्छा अब तो आपके ऐसे
आंख बंद करके भी बना लो. एग्जैक्टली, अब टिप्स पे है वाकई में वो. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. एग्जैक्टली, ये बात तो है. इसी तरह से आप लोग अच्छी अच्छी बातों की भी, अच्छी अच्छी सोच की भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो परफेक्ट हो जाएंगे. फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. जैसे मैं लोगों को बोलती रहती हूँ कि अच्छा सोचें, सुबह उठें, अपने आप को वक्त दें, एक घंटा एटलीस्ट कहते हैं कि आप अपने आप को सुबह उठने साथ वक्त दें, बाकी के 23 घंटे दुनिया के लिए आप रख लें. और उस एक घंटे में ये नहीं कि चाय कॉफ़ी नाश्ता आराम से टीवी शीवी मॉर्निंग शोज़ देख रहे हैं, लेकिन कुछ प्योर एंड पॉजिटिव आप उसमें सुने. हम चलें किचन की तरफ. मैमुना, ओके. हाँ, तो ईमेल आप ही ने किया था? या ईमेल मैंने खुद किया था. मैं मतलब, लेकिन उस एक तरह से ये कह सकते हैं कि मामा का था. मामा चाहती थी कि ना तुम आगे बढ़ो. बीइंग एन इंट्रोवर्ट, मैं बिल्कुल, आई वाज लिविंग इन अ शेल. मैं खुद कुछ नहीं करती थी. तो वो मामा की तरफ से ही प्रेशर था कि नहीं तुम अब आगे बढ़ना चाहिए. तो आज तुम यहाँ खड़ी हो लाइव शो में. ओके, अच्छा जी, क्या करना है बच्चों बताओ. बोल चाहिए आपको पढ़ा? या यहाँ से बोल ले लेते हैं. अच्छा, बीटर वगैरह चाहिए? नहीं, बीटर नहीं. ये सब नहीं. इसकी खास बात ये है कि ये आप यू नो विदाउट बीटर आप विद स्पैचुला आराम से बना सकते हैं. ठीक है, तो कोई फैंसी इक्विपमेंट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, सबसे पहले ये बटर मेल्ट करना है. ठीक है, माइक्रोवेव कर लिया. ये कितना है बटर? ये है 130. ये वैसे अनसॉल्टेड बटर मैं यूज़ करती हूँ. अच्छा, इसके लिए. अच्छा, अभी मैं कुछ ना कुछ जब दबाऊँगी तो वो हो ही जाता है. ठीक है, ओके. भाई बता दें क्या करना होता है. ओके ही तो कर रही. ये वाला, थैंक यू. कुछ ना कुछ डिजिटल में दबा दो बस. अच्छा, थोड़ा सा मेल्ट करना है उसको. या मुझे बता देना, मेरे टेम्प उसको तो 9 मिनट हो गया वो ऐसा दबा. ओके, नहीं बस थोड़ा सा मेल्ट करना है. जस्ट वो सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद फिर हम शुगर्स में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे. सही है. और इसमें क्या है? चॉकलेट? अच्छा, ये चॉकलेट, वाइट चॉकलेट चिप्स, ये कोको, सब मतलब सारा कुछ. या इनक्रेडिबली फजी बनेगा. और ऊपर कोई सॉस वॉस तो ज़रूरत ही नहीं होगी उसके ऊपर. एग्जैक्टली, वो टॉपिंग्स वगैरह में ही चॉकलेट आ जाएगी, तो उसके ऊपर आपको ऐसा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मेल्टेड बटर, परफेक्टली मेल्टेड बटर. ओके, सो बटर, ठीक है, ये हमने डाल दिया. जी, अबाउट वैसे मैं बेकिंग में ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ ग्राम्स से वे करना. अच्छा, ठीक है. वेइंग वेइंग बैलेंस से तो वो तो एक्यूरेटली वे होता है. ये कितना आप ये 113 ग्राम्स. ठीक है, ठीक है. उसके अंदर एक तेरह. या सो इसके अंदर ब्राउन शुगर जाएगी. सही है. अबाउट 89 ग्राम्स. 89 ग्राम्स. या कभी बगैर ग्राम्स के किया है? मैंने पहले किया था. नहीं, अंदाजे से वैसे हाँ करती तो हूँ. ब्राउनी से चल जाता होगा फिर भी अंदाजा. नहीं, लेकिन बेकिंग में ये है कि एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है. आपका लाइक अगर आप फ्लावर ले रहे हैं वो ज़्यादा हो गया तो वो बिल्कुल ही टफ हो जाएगा. एग्जैक्टली, एंड अगर कम है तो वो इट वॉन्ट होल्ड इट्स शेप. तो एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है. अच्छा, बटर ले लिया, उसके अंदर हमने ब्राउन शुगर ऐड कर दी. अब कैस्टर शुगर हमारे पास, ये हम डाल देंगे. अच्छा, अब बस इसको इनकॉर्पोरेट करना है इस तरह के. ये सही है. वो रेसिपी कार्ड चाहिए हमारा? इनकी रेसिपी कार्ड का है वो, ताकि ग्राम्स वो ठीक से बता देना कितना कितना यूज़ कर रहे हैं. अच्छा, कैस्टर शुगर, ब्राउन शुगर एंड बटर. अच्छा, इसको बस थोड़ी सी देर हम मिक्स करेंगे ताकि ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाए. ठीक है. दो अंडों के साथ बना रही हो ये? जी, दो अंडे. सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी कितने अंडों की बनाई? कितने? मैंने काफ़ी ज़्यादा एक दफ़ा तो मुझे एक इंगेजमेंट के लिए भी केक का ऑर्डर आया था. तो उसके लिए मैंने अबाउट 10 pounds का केक बनाया था. 10 pounds? 10 pounds का. उसको मैनेज कैसे किया था? उसको मैनेज क्रीम से हैवी हो गया होगा. नहीं, एक्चुअली बेस मैंने 10 pounds की ही रखी थी. जो वो या तो वो हो गया था बस. आई गेस उस टाइम इतनी ज़्यादा बेकिंग चल रही थी तो मुझे आदत हो गई. एक सिंगल वो था या नहीं? टीयर्ड केक थे, लाइक 5 pounds एंड देन इस तरह से. ठीक है. अच्छा जी, इसको हम मिक्स कर रहे हैं. मैमुना, हमने जाना है ब्रेक पे. ओके, तो हम ब्रेक ले सकते हैं? या श्योर. इसको ऐसे ही रखे रहेंगे? ओके, श्योर. ठीक है ना, सही है. हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आपके सामने बनाएंगी मैमुना ब्राउनीज, जो फजी ब्राउनीज हैं, जो इनका बहुत ही हिट आइटम है और काफ़ी सारा इन्होंने सेल किया है. आने के बाद एक बार फिर अपना पेज बता देना. ऑलराइट.
lively weekends. Har ghar mein jab sab hote hai saadi. जी वेलकम बैक. आज हमारे साथ हैं मेमूना. अच्छा मेमूना का नाम ऐसा है, ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही बड़ी सी खातून होंगी ना. ये बिल्कुल छोटी सी बच्ची है, फार्मेसी पढ़ रही है. नहीं लगता है ना, बड़ा बड़ा नाम है ना ये. कभी नाम अच्छा नहीं लगता. अगर कहती होगी अम्मी को ये क्या मेरा नाम, मामा ने रख दिया बस, अब क्या कह सकते हैं. हाँ इसको शॉर्ट फॉर्म तो नहीं कर दिया कहीं. नहीं हाँ यही मैम. वेरी वेरी नाइस. अच्छा जी, हम ब्राउनी से हमने शुरुआत की थी. हमने क्या क्या किया था ये बता दो और फिर क्या कर रहे हैं. बटर हमने मेल्ट करके, मेल्टेड बटर लिया था, उसके अंदर ब्राउन शुगर एंड वाइट शुगर, कैस्टर शुगर, ये हमने मिक्स कर दिया. सही. अच्छा उसके बाद हम इसके अंदर दो अंडे, ठीक है, दो एग्स ये डालेंगे और ये फजी ब्राउनीज बन रही है. ब्राउनीज की लातादाद रेसिपीज हैं, बहुत सारी, लेकिन चंद ऐसी होती हैं आप वाकई में उनको फिक्स कर लेते हैं कि बस यही यही. तब देखते हैं कि ये मेमूना की ये वाली रेसिपी ये उन वाली रेसिपीज में से है कि बस यही बनाएंगे अब. और फिर बेकिंग का भी तो मसला होता है ना, आप ओवर बेक कर दो तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है. बिल्कुल, तो एग्जैक्टली जो टाइम स्पेसिफाइड है आपको वही उसी पे करना है. एंड मेमूना आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं. मुझसे ब्रेक पे पूछने लगी वाज आई गुड, मैंने कहा यस यू आर परफेक्ट. थैंक यू. नहीं एक्चुअली होता है ना, लाइक फर्स्ट टाइम यू नो नेशनल टीवी पे सोई नहीं सोई, कोशिश की बस, थोड़ी एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस थी, लेकिन आई स्टिल ट्राई टू गेट इन लाइक आवर ऑफ स्लीप. हाँ माइंड में तो बस एक ही चीज़ चल रही होगी, अच्छा पहले मैं ये कर लूँगी, पहले इसको इतना टाइम लग जाएगा, फिर इनके शो में ब्रेक्स भी आती होंगी, फिर उसमें मैं ये कर. बिल्कुल है ना. या अच्छा ये एग्स इनकॉर्पोरेट हो गए, ठीक है. अब इसके अंदर हमने मैदा, ठीक है. मैदा कितना ले रही हो? मैदा मैं ले रही हूँ अबाउट हाफ कप. हाफ कप, ठीक है. ये कोई ग्राम्स का कुछ इसमें है क्योंकि अच्छा आप अगर विद मेजरिंग कप यूज़ कर रही हैं तो उसके लिए आपको उसको लेवल करके यूज़ करना होगा. हाफ कप, ठीक है. ये डाल दिया एंड उसके साथ कोको पाउडर, ठीक है. कोको पाउडर, अच्छा ये नहीं था क्या? अच्छा छान के, ठीक है. अच्छा कोको पाउडर छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूजुअली जो आते हैं वो उसमें लम्स काफ़ी सारे होते हैं. वी डू नॉट वांट लम्स इन आवर बैटर. सही है. ये कितना डाल रही हूँ कोको पाउडर? कोको पाउडर मैंने अबाउट 58 ग्राम्स. अच्छा 58 ग्राम्स कोको पाउडर एंड 71 ग्राम्स फ्लावर. सही है, ठीक है. आप कहाँ से लेती हो कोको पाउडर? खुला वाला या कोई ब्रांड वाला? नहीं मैं खुला ही लेती हूँ, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी का इसलिए होता है क्योंकि ये डच प्रोसेस्ड है. अच्छा डच प्रोसेस कोको पाउडर थोड़ा डार्क होता है एंड इट्स अ बिट बिटर. तो ये या बेकिंग के लिए आप कोई भी चॉकलेट केक बना रहे हो, ब्राउनीज बना रहे हो, सुपरमार्केट से ही या वैसे? नहीं दूसरी जो दुकानें हैं मामा लेकर आते हैं. मामा लेके आते हैं. अच्छा क्योंकि कोको पाउडर अच्छा नहीं तो फिर कुछ अच्छा नहीं है आपका. एग्जैक्टली. तो ये मैं यही बात इंसिस्ट करना चाहती हूँ कि जो बेकिंग में आपको चीज़ें लेनी हैं वो अच्छी क्वालिटी की, गुड क्वालिटी होनी चाहिए. जब तक आप मिक्स कर रही हो, एक कॉलर है, आज कॉलर आया है हमारे पास कोई. अस्सलाम वालेकुम. कल कॉल ही नहीं लगी थी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और किरण बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, और एक फार्मेसी की स्टूडेंट जो है बेकिंग सिखा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है. देखो जरा बेकिंग सिखा रही है, बेकिंग के ऑर्डर्स भी ले रही है. हाँ एक दफा इनका ना पेज का नाम जरूर चला दीजिएगा. दूसरा मैं मेमूना से पूछना चाह रही थी, जो फजी ब्राउनी में आपने ब्राउन शुगर भी ऐड किए, कैन वी यूज ओनली द वाइट शुगर? आप यूज कर सकती हैं जरूर, लेकिन ब्राउन शुगर से ये थोड़ा सा रिच टेस्ट आता है. तो अगर आपके पास है एक और बात मेमूना, कैन वी बेक इट इन माइक्रोवेव ओवन? माइक्रोवेव ओवन में मैं प्रेफर नहीं करूंगी क्योंकि माइक्रोवेव ओवन में यूजुअली जो बेक करते हो उससे टफ चीजें बन जाती हैं. यूजुअली बड़े बड़े शेफ भी कहते हैं कि माइक्रोवेव में नहीं करनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. आप कोई ऐसी रेसिपीज बता सकती हैं जो मतलब जो ऐसे ऐसे कोई किसी के नाम जो माइक्रोवेव में कर सकते हो? दूसरा मैं किरण आपसे भी पूछना चाहूंगी, आप बिल्कुल सही कह रही थी अभी, ये कुछ ऐसी रेसिपीज होती है जो बस फिक्स होती है वो बहुत अच्छी बन जाती है. हाँ. आपकी कोई ऐसी ब्राउनी की रेसिपी जो कि मेरी ब्राउनी ना आगे पीछे जरूर हो जाती है, कोई सख्त हो जाती है, कोई खुश हो जाता कुछ है कुछ. और मुझे शौक बहुत है ब्राउनी बनाने का.
बिल्कुल इजी भी होता है ना, और इसमें वो बीटर शीटर नहीं है, सबसे अच्छी बात. जी बिल्कुल, जरूर बताइएगा कि ना आप भी अपनी कोई ब्राउनी की रेसिपी. बाकी आपका शो बहुत जबरदस्त है, आपकी टीम बहुत जबरदस्त है, आप शो के लिए बहुत सारी दुआएं, आपके लिए बहुत सारी दुआएं. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. खुश रहे, हंसती मुस्कुराती रहे. अच्छा जी, आपने डाल दिया कोको पाउडर भी, कोको पाउडर भी डाल दिया. अच्छा, अब इसके बाद मैं थोड़ा सा इसके अंदर अबाउट 1 tablespoon ऑयल, अच्छा ये डालूंगी, क्योंकि हमने बटर भी लिया, बटर भी लिया था, और ये थोड़ा तो सा, ये थोड़ा सा जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा. ठीक है, एंड अबाउट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मुझे टीस्पून आप दे सकते हैं. पिंच तो फिर पिंच होता पिंच है, ज़्यादा नहीं डालना, पिंच करके डालेंगे. बस बिल्कुल थोड़ा सा, एक्चुअली सॉल्ट आप, मैं यूजुअली कोई भी डिज़र्ट बना रही हूँ उसके अंदर मैं सॉल्ट ज़रूर डालती हूँ, उससे जो भी फ्लेवर होता है वो एक्चुअली ज़्यादा इन्हांस हो जाता है. सॉल्ट का यही एक फंक्शन है, हम कहते हैं नमकीन हो जाएगा. नहीं नहीं, जो शुगर और सारा कोको और वो सब डाला है उसका टेस्ट फ्लेवर एनहांस होता है. ओके, अच्छा ये हो गया. ऑयल आपने क्यों डाला वैसे? ऑयल बटर मैंने डाल दिया था, लेकिन ऑयल बेसिकली जो है इसको काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा फर्दर मॉइस्ट करता है. अच्छा ठीक है, वैसे अगर आप चाहें तो उसकी क्वांटिटी में आप बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल से काफ़ी ज़्यादा मॉइस्टनेस आती है. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, अब मैंने इसके अंदर चॉप की हुई डार्क चॉकलेट लिए हैं, बिटर स्वीट चॉकलेट है ये. ठीक है, ये कुकिंग चॉकलेट, ये कुकिंग चॉकलेट है. ये अच्छी रेसिपी लग रही है भाई, ब्राउनीज वाले ये ट्राई करें. और ये कितनी, ये भी अंदाजे से? ये नहीं अंदाजे से, ये मैंने तकरीबन 128 grams लिए. सबसे ज़्यादा यही क्वान्टिटी में 128 grams. अच्छा, बननी है ना फजी चॉकलेट ये है, और फिर उसके ऊपर मैं वाइट चॉकलेट चिप्स टॉपिंग करूँगी. ठीक है, और वो बटर पेपर लगा हुआ है पैन में अच्छे से. ये इस, ये साइज़ परफेक्ट है. बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बैटर आपका कम होता है और पैन आप लोग बहुत फैला हुआ ले लेते हैं, और इतनी पतली पतली सी ब्राउनीज बनती हैं, तो थोड़ी सी अच्छी साइज़ की. मैंने पैन लिया, मेरे पास अबाउट 8x8 inch पैन है, इसको मैंने ऑलरेडी लाइन कर दिया था बटर पेपर से. ठीक है, आपके पास नहीं हो तो आप इसको ग्रीस कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से ग्रीस करना ज़रूरी है. एंड ये क्या है, एसेंस डाला था? सॉरी, एसेंस नहीं डाला, अबाउट ये है कौन सा, वनीला, वनीला एसेंस. ठीक है, उसका कलर डिफरेंट आ रहा है. मेरे वनीला एसेंस ये 1 to 2 teaspoon मैंने वनीला. अच्छा, ये कलर इसका ऐसे है क्यों है? क्योंकि ये प्योर वनीला बीन्स से बना हुआ है. तो इसमें क्या खास बात है, इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है. अच्छा, ये कोई होम मेड टाइप किसी कहीं से लिया? ये मैंने, हाँ उन्होंने खुद बनाया था वनीला बीन से. क्या मज़े की खुशबू है. एग्जैक्टली, वाकई में बिल्कुल फ़र्क है, खुशबू से ही पता चल रहा है. ये देखिए, मैं यूजुअली मैं ये यूज़ करती हूँ, मुझे थोड़ा ब्राउन वाला आता है वो मुझे इतना पसंद नहीं है. हाँ, वो तो थोड़ा ज़्यादा भी डालना पड़ता है, ऐसा लगता है कि वो फ्लेवर. फिर मैं दुबई गई थी, मैं दुबई से लेकर आई थी. अच्छा, वनीला एसेंस, मैंने कहा यार यहाँ पर तो यही वाली मिल रहा है. अच्छा जी, सारी चीज़ें हो गई, इसको हम बेक करेंगे 180 पे फॉर अबाउट 35 to 40 minutes. ठीक है, इतना टाइम लगेगा. जब तक फिर हम अपनी अगली रेसिपी चिकन रेशमी हांडी से. या ये अम्मी को ही बुलाकर उनसे कुक करवा लेते हैं. हाँ, को करेंगी और क्या, कर लीजिएगा. आंटी को बुलाते हैं ज़रा, आप अपनी दूसरी रेसिपी तैयार करना. ओके, माँ अब जब आई है तो फिर क्यों ना माँ के हाथ का भी जायका ज़रा चखा जाए. अच्छा जी, आज मैमूना हमारे साथ हैं, और ब्राउनीज़, फजी ब्राउनीज़ जो है वो हमने तैयार कर लिए हैं. ये बेक होने हम रख रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चिकन रेशमी हांडी से हम शुरुआत करेंगे, और फिर उसके बाद में एक स्टार्टर आप कह रही थी जी, एपेटाइज़र है. ठीक है, सही है जी, हमारे साथ ही रहिएगा. वी विल राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए. ट्रिपल चॉकलेट फज ब्राउनीज, अरसा पिघला मक्खन 113 ग्राम, तीले खाने का चमचा ब्राउन शुगर 79 ग्राम, व्हाइट शुगर 114 ग्राम, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, मैदा आधा कप, कोको पाउडर आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, कटी चॉकलेट 1 कप. तरकीब, अवन को 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें, पैन को तेल से ग्रीस कर लें. अब बोल में मक्खन, मैदा, कोको पाउडर, नमक, व्हाइट शुगर और ब्राउन शुगर फेंट लें. उसके बाद अंडे और वनीला एसेंस डालकर फेंट लें. फिर चॉकलेट शामिल करके फोल्ड कर दें. उसके बाद आमेजे को पैन में फैलाएं और गर्म अवन में 35 से 40 मिनट बेक कर लें. जब ठंडा हो जाए तो निकाल कर सर्व करें.
आ जाएं जी, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्राउनीज हमने रख दिए, आपने वो व्हाइट चॉकलेट स्प्रिंकल कर दिया था ऊपर डाल दिया। अच्छा, टॉपिंग तो वो गई है अवन में अराउंड 35 to 40 minutes। वो हम बीच में चेक करते रहेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम रेशमी हांडी, चिकन रेशमी हांडी। अच्छा, ये अम्मी की रेसिपी नहीं है, मैं समझी कि ये अम्मी की रेसिपी है। मामा यूजुअली इस तरह की बनाती रहती है। लेकिन आपने इसमें थोड़ा सा थोड़ा बहुत, आंटी थोड़ा सा घबरा गई, नहीं नहीं इसी को बनाने दें, इसका बचपन का शौक था, शेफ बनना है, शेफ बनना है। मैंने कहा अच्छा आप आ जाइएगा जरा सा उनसे, हम हाथ डलवा लेंगे माँ का। अच्छा, हमने ऑयल ले लिया है और अच्छा ये ऑयल हीट हो सही आँच या मैं थोड़ी आहिस्ता कर, ठीक है अच्छा इसमें थोड़ा सा हीट होने देंगे। हाँ जी, अच्छा आई थिंक हीट हो चुका होगा। हाँ हाँ, अच्छा इसके अंदर हमने मैंने कटा हुआ लहसुन लिया है अबाउट 4 cloves एंड 1 gram के जितना जिंजर। ठीक है, ये fresh. दोनों या फ्रेश दोनों फ्रेश है, फ्रेश से ज़्यादा फ्लेवर आता है आई बिलीव। आप पीस के रखती हो लहसुन? मैं पीस के रखती हूँ, लेकिन आपका कभी हरा होता है? होता है, पता नहीं कैसे आई थिंक वो हरा ज़रूर। अब नेक्स्ट टाइम आप लोग लहसुन पीस के रखें ना, अपने अंदर की वाइब्रेशन चेक कीजिएगा क्या है। मेरा तो हरा नहीं होता नहीं बार तो ऐसा क्यों होता है? इस बार मैं पीसने जा रही थी ना, तो यही बात मैं रिकॉल करने लगी। मैंने कहा ऐसा ना हो इस बार मेरा भी हरा हो। अच्छा, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, अच्छा सोचना है, क्लीन अच्छे अच्छे सोच के थोड़ा सा कम। अच्छा, केमिकल से जब होता है तो इसका मतलब मैं जहाँ से लहसुन लाती हूँ वो बिल्कुल केमिकल फ्री है। सही, यहाँ होता होगा। उस दिन मम्मी भी मुझे दिखाने लगी कि देखो हाँ मेरा भी अक्सर हरा हो जाता है लहसुन का। ओके, ये हमने थोड़ा सा इसको जस्ट सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। दोनों चीज़ें, जिंजर एंड गार्लिक। एंड देन मेरे पास ये अनियन पेस्ट है। अच्छा, अबाउट 2 onion का मैंने पेस्ट बना लिया था। सिंपल ना, कोई कुक शॉप नहीं, नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, जस्ट ठीक है। ओके, ये मैंने डाल देना है इसमें अबाउट 2 प्याज का बनाया था पूरा। घर में ज़्यादातर कुकिंग कौन करता है? कुकिंग वैसे तो मामा करती हैं, लेकिन अगर मामा कभी थक जाए या हाँ उनका दिल नहीं कर रहा तो फिर क्या करें, आई टेक ओवर। वाकई में उनका भी दिल चाहता होगा कि वो रेस्ट करें। exactly. बना बनाया खाना मिल जाए, क्या रोज़ का रूटीन, बेचारी मजबूरी है। और कभी सोचती भी नहीं है कि हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं या वो, बिल्कुल सिर्फ एक ख्याल आता होगा कि आज कुछ चेंज हो जाए, मैं तो आराम फिर हाँ, तो फिर चेंज के लिए फिर मैमुना किचन में आ जाती है। मैमुना आ जाती है, संभाल लेती है जी। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? खुशहाल, फरिश्तों जैसी चाल। हंस रही है? मैं बात कर रही हूँ मुल्तान से, क्या हाल है किरण? अरे खुशहाल, फरिश्तों जैसी चाल, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ फातिमा, ठीक ठाक ही हो? जिंदगी भर ठीक ठाक रहे? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल फिट फाट, बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ। ये आई ना लाइन पे। हाँ, आपको देख के हो जाते हैं, वैसे मेरी तबीयत खराब है कुछ, लेकिन आपको जब देखते हैं, आपको शो देखते हैं, आपको इतना मतलब कि फ्रेश फ्रेश देखते हैं तो हम भी हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं रोज तो आती नहीं, फिर बाकी दिन कैसे आप खुश और फ्रेश रहती हैं? फिर वो भी आप ही के बारे में सोचते हैं ना। आप जो इतना बड़ा लेक्चर देकर जाती हैं, मैंने लेक्चर दिया याद रहता। हाँ सही है, उस दिन हम लोग फ्रेंड्स के गेट टुगेदर में गए तो खाने की टेबल पे ना वो गाने शाने बज रहे थे, वहाँ भी ना मैंने ऐसी थोड़ा सा शोशा छोड़ा ना, यू नो खाते वक्त ना अच्छी अच्छी थॉट्स, अच्छी वाइब्रेशंस रखनी चाहिए, वो सारी एनर्जी कैर, तो सारे बैठ के ना सुनने लगे, हाँ अच्छा बिल्कुल वाकई में ये फ़र्क पड़ता है। सही है, मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। नहीं वाकई बहुत अच्छी बात है, ऐसा होता है जब हम अच्छा अच्छा सोचते हैं तो फिर आगे भी सब अच्छा होता है, और जैसा सोचते हैं खैर वही होता है। हाँ नहीं, और खाना सबसे ज़्यादा ना आपकी एनर्जी को, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। हाँ, तो जो जैसी डालेंगी आप फिर वैसा ही आप फील करेंगी। वैसे ही होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैमुना की ब्राउनी कैसी लगी ये बताओ? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बल्कि मैं ट्राई करती हूँ वैसे ब्राउनीज वगैरह, मुझे मीठे का शौक है, दरने की तरफ चॉकलेटी रेसिपीज और ये सब बनाती रहती हूँ, ये भी मैं ट्राई करूँगी, काफ़ी मजे की रेसिपी है। और लास्ट टाइम मैं मसाला टीवी की स्टूडियो आई थी तो
आपका साइट देखा मैंने और सबसे मिली, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं क्योंकि आप सैटरडे को होती हैं और संडे को, सैटरडे संडे जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो जरूर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है फातिमा, और कोई क्वेश्चन है? नहीं कोई सवाल नहीं, सब जवाब मौजूद है तो सवाल क्या करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, प्याज डालने के बाद आपने चिकन डाल दिया, इसको बस अबाउट 5 to 7 मिनट्स कुक करना है। ठीक है, इसमें वैसे मसाले क्या क्या जा रहे हैं? अच्छा, मसाले इसमें जा रहे हैं, अभी डाल दोगी या थोड़ा सा? नहीं, थोड़ा सा कुक करने के बाद। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे कोई लाल मिर्च वगैरह मुझे नहीं नज़र आ रही। लाल मिर्च रेशमी हांडी है, इट्स नॉट स्पाइसी, इट्स क्रीमी, तो इसलिए। दही भी है, क्रीम भी है, क्रीम है, धनिया जीरा पाउडर है। अच्छा, एंड क्रीम चीज़ है टू मेक इट मोर इवन मोर क्रीमी। ये एडिशन होगा आपका? या मैं इस तरह की चीज़ें खाती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो यू नो मैंने अपने देसी खाने इतना मुझे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, रेस्टोरेंट की तरफ ही यूजुअली मैं मुनाकी माशाल्लाह से मंगनी हुई नहीं है, मंगेतर भी देख रहे हैं। आई थिंक सो, क्या आई थिंक सो बताया नहीं? मे बी, आई मीन ही डिड, ही टोल्ड मी ही वुड वॉच इट, बट आई एम नॉट श्योर, माइट बी स्लीपिंग, ही माइट बी स्लीपिंग। या संडे है ना, या नींद ज़्यादा प्यारी है, नींद ज़्यादा प्यारी है। चलो, शो तो रिपीट होता है 9 बजे, रात में देख लेंगे इसको। आई मेक हिम वॉच इट, भी ब्रेक आएगी ना बीच में, कॉल करके पूछना आर यू वॉचिंग। सही है। अच्छा, कब किस वक्त डालोगी इसमें मसाले सारे? ये थोड़ा सा इसको मैं कुक होने दूंगी। ठीक है, लग गया माइक। आंटी आ जाए ना, वहाँ क्यों बैठी है जी, कॉल है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। किरण, क्या हाल चाल है जी? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल खुश, ओए होए माशाल्लाह, अल्लाह आपको और खुशियाँ दे इसी तरह रखे। जी जी हाँ, मैं आपका शो देखती हूँ, संडे को मैं आपकी रेसिपीज ही ट्राई करती हूँ। जी अच्छा, वेरी गुड। जी जी, आज ही बहुत अच्छी रेसिपीज बन रही हैं। हाँ, हर दफा कुछ नया हम सीखते हैं। नहीं जी, मैंने चॉकलेट आपका लज़ानिया भी ट्राई किया था। हाँ, मैं फटाफट चिकन भी मैंने ट्राई की थी, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा अच्छा, जी जी, मैं डिफरेंट आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छा शो करती हैं आप। वेरी गुड, और आज क्या ट्राई करेंगे? आज की रेसिपीज में आपको कौन सा क्लिक हो रही है कि अच्छा यार ये ट्राई करनी चाहिए? मुझे ब्राउनीज का हो रहा है, ब्राउनीज का। हाँ, फजी ब्राउनीज, अभी बेक होने दो ना, अभी आने दो बाहर, उसकी शक्ल देखेंगे, फ्लेवर देखेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि अच्छा हाँ मस्ट ट्राई। जी जी जी, और क्या, ठीक है, पता देखने में अच्छी लगती है तो फिर खाने का वैसे ही दिल चाहता है। वैसे ही, और लहसुन जो है ना, वो हमारा भी वो हो जाता है ग्रीन, अदरक के साथ अगर हम ग्राइंड करें। क्या हो जाता है? लहसुन ग्रीन हो जाता है अगर हम अदरक के साथ ग्राइंड करें। अगर आप अदरक के साथ करें? जी। अच्छा, हाँ जी, तो अदरक के साथ ना करें? वो किसी किसी चीजों में होता है ना, दोनों ही चाट डालना होता है, जल्दी के लिए वो करके रखते हैं ना, तो वो ग्रीन हो जाता है। ठीक है ठीक है, अभी मैं मैमुना की अम्मी को बुलाया, ज़रा इनसे भी पूछती हूँ, ये पीसती हैं तो क्या हरा होता है नहीं होता। ठीक है जी किरण, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मसाले तो नहीं डाल रही? नहीं अभी फ़िलहाल। सही है, तो फिर मैं चलती हूँ ज़रा आंटी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, वेलकम टू लाइवली वीकेंड। जज़ाकअल्लाह। क्यों नहीं कर रही हैं कुकिंग आप? मैमुना है ना, मैमुना आप मेरे को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैमुना बस काफ़ी है। मैंने कहा माँ का हाथ तो होना चाहिए ना थोड़ा सा। बस मैमुना कर रही है, काफ़ी है। अच्छा, कौन अच्छा बनाता है ये? इसके हाथ में ज़्यादा जायका है या नहीं? इसके हाथ में माशाल्लाह बहुत जायका है, शौक़ इनका सबसे बढ़कर अहम, जो जिसको दिन को एक कहना चाहिए आज इस मकाम पे लेकर आया। आपकी खातिर फार्मेसी कर बैठी हूँ। मेरी खातिर, मेरी खातिर, अपने नाना की खातिर। अच्छा, उनसे प्रॉमिस किया था। हाँ, क्योंकि बीच में क्विट करना चाह रही थी अपने इस पैशन को लेके। हाँ, लेकिन जब उनसे प्रॉमिस किया तो उन्होंने पूरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट सेमेस्टर बस अल्लाह का शुक्र है। लेकिन माशाल्लाह ये कुकिंग में भी अगर इसका है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, मतलब हम सब इनको अब पहले जो है हम बिल्कुल इनक्रेज नहीं करते थे, मसाला की बात करने लगे। मसाले के बाद तो बहुत फेवरेट चैनल मेरी वालदा, वो अभी तक फारिग टाइम अपने सारा मसाला चैनल और रेसिपीज ट्राई भी करती हैं, वो ट्राई करती कुकिंग करती हैं, बहुत बड़े शौक से करती हैं वो सारे। शो देख रही हैं? देख रही होंगी, बिल्कुल देख रही होंगी। ये कराची में होती है? कराची में होती है, वो भी आ जाती
उनको हम जरा दिखाते शो रिकॉर्ड कैसे होता है बनता कैसे नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर से सब तो सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अगर मैमुना की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई तो हाँ मैमुना बहुत कम गो है बहुत ज़्यादा बहुत हम लोग इनको धक्का स्टार्ट बोलते हैं कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा लेकिन किस पे गई है बाप पे गई है माँ पे गई नहीं माँ पे तो खैर नहीं गई माँ ज़्यादा बोलती बहुत बोलती आई गेस हाँ अच्छा बहुत ज़्यादा तो बस ये कि मैमुना थोड़ा कम गो है कम गो है लेकिन अपने फ्रेंड्स में बिल्कुल ये चेंज होती हैं उस वक्त भी मुझे यकीन नहीं आता कि ये वही मैमुना है ज़्यादातर बच्चों का ये होता है अच्छा मैमुना मसाले डालने तो हम डाल देते हैं क्योंकि फिर ब्रेक आ जाएगी ठीक है अच्छा इसके अंदर अब मैंने हाँ बताती रहना क्या क्या और कितना कितना डाल रही हो चमचे वो रखे धनिया पाउडर या धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर ये एक एक चमचा डालना है चाय का टी स्पून सही है अच्छा और ये सादा है या भुना हुआ है ये सादा है सादा है ठीक है धनिया और ज़ीरा पाउडर डाल दिया वन टी स्पून वाइट पेपर पाउडर जाएगा ठीक है एंड अबाउट एक कप के जितना दही ठीक है योगर्ट मैंने डाल दिया and salt to taste okay अभी फिलहाल मैं एक टी स्पून ही डाल ठीक है हाँ वो तो फिर टेस्ट कर लेंगे सही है और इसको बस अभी फर्दर 5 to 7 minutes कुक करना है अच्छा मसाले के साथ ही सही और मेरे ख्याल से अब तो सिर्फ क्रीम आप डालोगी इसमें क्रीम एंड ये चीज़ अच्छा चीज़ ठीक है वो बिल्कुल एंड में जाएगी वो बिल्कुल एंड में जाएगी ऑलमोस्ट डन हो जाएगा ब्राउनी अगर चेक करनी हो वो भी चेक कर लेना हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी अगली रेसिपी स्टार्ट करेंगे आप लोग हमारे साथ ही रहिए आप लोग कॉल कर सकते हैं कोई सवाल अगर आप लोगों ने करना है तो आप कर सकते हैं आज मेरे पास नो सवाल नो क्वेश्चंस आंसर्स आर ऑल गिवन और आपके पास हैं सारे जवाब जो भी मैं बातचीत करती हूँ एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे जी हम ब्रेक से वापस आ गए मैं अभी यही देख रही थी चिकन हांडी ये ऑलमोस्ट डन है चिकन भी गल गई है सिर्फ इसमें क्रीम और आपने क्रीम और क्रीम चीज़ ठीक है अच्छा अभी डालना है या अच्छा शिमला मिर्च भी तो जाएगी इसमें ठीक तो वैसे ही मैं डालती एम यू क्योंकि मैं चाहती हूँ इसको थोड़ा एम में क्रिस्पी ही रहे और वो हल्की सी खुशबू आ जाए एग्जैक्टली अच्छा इसके अंदर मसालों में सिर्फ धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर नमक था और सफ़ेद मिर्च थी बाकी दही आपने डाल दिया था क्रीम मैंने डाल दिया तकरीबन हाफ कप हाँ नान के साथ खाते तुम लोग चावलों के साथ नहीं राइस के साथ तो नहीं यूजली रोटी रोटी के साथ हाँ रोटियाँ बना लेती हो रोटियाँ भी मतलब वैसे इतना अच्छे से नहीं टाइम लगता है थोड़ा यू नो अभी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं है मामा ने बनाने दिया नहीं कभी अच्छा तो ये लेकिन ये कि बना लेती हूँ अच्छा क्रीम डाल दी इसमें मक्खन बटर जाएगा मज़े की तो बननी है ना बाय द वे आज बिलाल नाम है मंगीता का या उनकी आज बर्थडे भी है और मैंने कहा तो ये तो तुमको विश करना चाहिए कि नहीं पता नहीं वो देख रहे हैं नहीं मैंने कहा रात में दिखाना है 9 बजे वो खुश होंगे कि अरे वाह मैं ऑन एयर नाम लेकर विश किया गया चलो विश करो हैप्पी बर्थडे बिलाल बस बस हैप्पी बर्थडे सही है जी हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आगे की ज़िंदगी आप बहुत अच्छे से गुजारें अपने बेटर हाफ के साथ और खुश रहें आबाद रहें आमीन सही है ना आंटी परफेक्ट माँ जैसी दुआ दे दी ना बिल्कुल अच्छा बटर गया क्रीम गया क्रीम एंड क्रीम चीज़ अच्छा अब इसको कुक करोगी या बस थोड़ी सी देर के लिए बस ये मिक्स हो जाए सही फिर इसको शिमला मिर्च अच्छा ठीक है अच्छा ये आप हांडी हांडी में ही हम सर्व करेंगे जी इसमें फिर निकाल लेंगे ब्राउनीज चेक की थी हाँ अभी टाइम है टाइम है ठीक इसको बेशक साइड कर देना हम बाद में निकाल लेंगे अच्छा अब आप बनाओगी एपेटाइज़र ये आप ये थोड़ा सा बस ये ठीक है चीज़ इसमें कुछ ऐड करनी है हरी मिर्च ओके एंड थोड़ा सा इसमें कोकोनट पाउडर ये कोकोनट पाउडर है ठीक है
ठीक है, स्पेशल एडिशन। अच्छा, मज़े की लग रही है ये हांडी। ये जाएगा एंड शिमला मिर्च। ठीक है, क्रीम बटर डालने के बाद आपने क्रीम चीज़ थोड़ी डाली और हरी मिर्च, शिमला मिर्च एंड कोकोनट पाउडर। हाँ जी, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, फहमीदा कैसी है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुशहाल खुश गुफ्तार। वेरी गुड, मजा आता है ना ऐसा बोलने में, चाहे हो भी ना। सही। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप रेसिपीज ट्राई कर रही हैं? नहीं नहीं, टिप्स ज्यादा लेती हूँ। लिख ज्यादा लेती हैं? टिप्स जो इसमें आप टिप्स देती है ना छोटी छोटी, हाँ हाँ, वो अच्छी लगती है जो। अच्छा, अमल कर रही हैं? जी जी। अच्छा, वेरी अच्छी वाइब्रेशन, खाना खाते पकाते वक्त अच्छा अच्छा सोचती हैं? जी जी जी। अच्छा, अब परेशानी तो नहीं सोचती अपनी, दुख? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, किसी ने सताया हो, किसी की बात बुरी लगी हो? नहीं नहीं, शुक्र, वो तो खुश, नहीं, बस खुश रहो हमेशा। खुश रहो हमेशा, आसान नहीं है ना, मुश्किल है खुश रहना। नहीं नहीं, अगर एक दफा चल जाओ उस दफा तो फिर चलते रहो खत्म से। मुश्किल हो भी तो बोलो बहुत आसान है। सही बात, सही बात है। हाँ जी, आज की आपके आपकी जो ड्रेसिंग है सिंपल सिंपल, वो भी अच्छी लग रही है। अच्छा, मौसम के हिसाब से। थैंक यू। अच्छा बताएं, मैमूना से बात करेंगी या मैमूना की अम्मी से बात करेंगी? मैमूना किसी से भी बात करें। मैमूना की अम्मी से बात कर लें। आंटी हेलो बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मार्टू मार्टू मां कॉल जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैमूना अच्छी कर रही है आज कुकिंग। शुक्रिया, इंशाल्लाह टेस्ट करके भी बताएंगे किरण के कैसी बनी। जी जी, और आप ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, 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 बिल्कुल ठीक ठाक। भाई औरतें आपस में कैसे बात करती हैं, बस यही पूछती रहती हैं। नहीं बिल्कुल। और किरण जी, आज सवाल नहीं है कोई आपका? हाय, आज सवाल नहीं किया तो सब सवाल ही पूछे जा रहे सभी। आज आप क्या बना रही हैं? आज पुलाव। पुलाव, मटन पुलाव, चिकन? मटन, मटन पुलाव। यखनी तैयार कर ली? जी, यखनी से यखनी पुलाव। यखनी पुलाव, ठीक है ठीक है। सादा तरीके से या कुछ स्पेशल तरीके से, कोई सीखा हुआ तरीका? नहीं नहीं, ये मौसम तो अभी सादा ही सादा खाने का, सादा ही खाओ। सही है, सादा तरीका, सादे में भी तो इतना जायका और खुशबू होती है। सही बात। और क्या? ठीक है ठीक है, चले आप पुलाव खाइएगा, रायता जरूर बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़। डन है या? अच्छा, अब हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आप ये एपेटाइज़र। टाइम कितना है हमारे पास? अभी दो ब्रेक्स हैं ना, आने के बाद हम फिर ये एपेटाइज़र करते हैं। ठीक है जी, जब तक मैं थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेती हूँ, मुझे की लग रही है। चिकन रेशमी हांडी, 8 चिकन बोनलेस क्यूब 700 ग्राम, प्याज का पेस्ट 2 प्याज का, कटी हरी मिर्च 5 अदद, दही 1 कप, क्रीम आधा कप, कटा लहसुन 4 चवे, कटी अदरक 1 इंच का टुकड़ा, चढ़े चीज़ 3 खाने के चमचे, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा खोपरा 2 चाय के चमचे, शिमला मिर्च 1 अदद, मक्खन या तेल 1 खाने का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब, पैन में मक्खन या तेल गर्म करके कटा लहसुन, कटी अदरक और प्याज का पेस्ट डालकर 2 मिनट पकाएं। अब चिकन शामिल करके 5 मिनट पकाएं, फिर कटी हरी मिर्च, पिसा धनिया, पिसा जीरा, पिसी सफ़ेद मिर्च और दही डालकर 5-7 मिनट पकाएं। अब चेडर चीज़, पिसा खोपरा, क्रीम, शिमला मिर्च और हरी मिर्च डालकर 5 मिनट पकाएं। आखिर में डिश में निकालकर हरे धनिया से गार्निश करें। भाई हांडी वाकई बहुत मज़े की बनी है और एक मुख्तलिफ फ्लेवर है। मैं यूजुअली हांडी लवर नहीं हूँ। okay. हाँ, मुझे आप कढ़ाई खिला दें, मैं वो ज़्यादा शौक से खाती हूँ, क्योंकि हांडी मुझे बहुत क्रीमी लगती है, लेकिन ये क्रीमी नहीं है, इसमें एक जायका है जो आपने धनिया और ज़ीरा वो डाला है, फिर शिमला मिर्च से जो खुशबू आई है ना, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है, और ऊपर से हमने थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश कर दिया। मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, अगर आप लोगों को हांडी का शौक़ है तो ये वाली रेसिपी अच्छी है, बहुत वाइट, बहुत क्रीमी भी नहीं है। आ जाते हैं अगली हमारी थर्ड रेसिपी। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ एपेटाइज़र है, क्रैकर कैनापेस। कौन सा कैनापी? कैनापेस क्रैकर कैनापेस। अच्छा ठीक है ठीक है, सही है। अच्छा, ये ब्राउनीज भी ज़रा देख लें आप लोग, हमने इसको ओवन से निकाल दिए, थोड़ा कूल डाउन होगा तो फिर आप उसके बाद। या
कितनी फजी है अभी पता चलेगा. आई होप इट्स गुड. हाँ अभी ये तुमको तो होप ही नहीं करनी चाहिए. यू शुड बी श्योर. नहीं आई मीन आई होप यू गाइस लाइक इट. हाँ हाँ ऑफ कोर्स ये बोल सकती हैं. अच्छा जी कैनपीज. अच्छा इसके लिए मेरे पास अभी मैं मैश पोटैटो से स्टार्ट करूँगी. अच्छा कैनपीज मैं बता सकती हूँ. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. बेसिकली एक फ्रेंच एपेटाइजर है. तो उसमें जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो बेस होता है एंड उसके ऊपर आप कोई भी फिलिंग कर लो एंड जस्ट टॉप इट ऑफ विद सम सॉस और समथिंग. अच्छा वो कैनपीज होते हैं छोटे फिंगर बाइट्स. अब मैंने यहाँ पे जो बेस यूज़ किया है वो क्रैकर्स लिए हैं. ठीक है ठीक है. कोई भी सॉल्टेड आप बिस्किट्स जो होते हैं क्रैकर्स वो आप ले लें. लेकिन इसकी मेन बात ये है कि इट शुड बी बाइट साइज. सही है. तो ये बाइट साइज एपेटाइजर्स होते हैं. सही है ठीक है. ये मैंने क्रैकर्स ले लिए. उसके बाद मैं मैश पोटैटो है अबाउट एक मीडियम साइज का आपने लेना है. इसमें क्या मिक्स करूँ? इसके अंदर मैं मुझे दूध को वो हीट करना है. अच्छा हाँ तो इसके लिए पैन होगा यहाँ पर. ये वाला ये ले. ओके सॉस को हीट कर लो. नमक मिर्च वगैरह जो डालनी है वो डाल देना. हाँ अच्छा अच्छा. इसको ना भाई जो भी हमारे शो पर आया सीख ले हमारा चूल्हा कैसे चलता है. ऐसे दबा के प्रेस करके घुमाना है. दबा के रखे रहना है वो खुद ही ऑन. ऑल राइट सही है. जो आने वाले लोग हैं वो भी अगर शो देख रहे हैं अभी से मैं बता दूँ. ठीक है. अच्छा ये मैश पोटैटोज में ही डालोगी थोड़ा? इसी में सीजनिंग डालोगी या अलग से? नहीं इसमें डाल दूंगी एंड वो डाल दो उसमें मिक्स कर देंगे. चाहिए क्या क्या चाहिए? मम्मी की ना फुल नजरें हैं और अंदर अंदर इतना खुश हो रही होंगी ना वो. जाहिर सी बात है. बिल्कुल औलाद की एक ड्रीम कम ट्रू हो रहा है. अच्छा सॉल्ट सॉल्ट एंड थोड़ा सा पेपर. अच्छा काली मिर्च या और वो क्या वो भी डालो. वो तो टॉपिंग पे जाएगा वो. ठीक है. अच्छा दैट्स इट. सॉल्ट एंड पेपर एंड ये थोड़ा सा. जी हेलो अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं किरण? कैसी हैं? मैं कुलसुम बात कर रही हूँ मुल्तान से. जी कुलसुम मैं तो बहुत अच्छी हूँ बहुत खुश हूँ. माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है. वाकई बहुत अच्छी लग रही है. अच्छी भी लग रही है. ड्रेस बड़ा प्यारा लग रहा है आपका ना. कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है बहुत, और खासतौर पे मुझे शूज बहुत आपके अच्छे लग रहे हैं ना. वेरी गुड. कल का देखा था आपने शो हमारा? कल नहीं देखा. आज वीकेंड था ना तो फिर छुट्टी भी थी तो मैंने कहा जरा देखा. तो आपका शुरू से ही देख रही हूँ. बड़ी अच्छी. अच्छा किरण मैं ये कहना चाह रही हूँ किसी दिन आप अपने हाथ का तो पका के खिलाएं. क्या करूं? आप भी पका के खिलाएं. मैं कुकिंग करूं? ठीक है. क्या बनाना क्या बनाऊं आपके लिए? कुछ तो बनाएं कुछ अच्छा. कुछ तो बनाऊं. बातें बनाती हूं काफी नहीं. जो आप अच्छा बना सकें. जो आप अच्छा बनाती हूं. चलो ठीक है सुलेमान जरा मेरे से भी रेसिपीज ले लीजिएगा. हाँ जरूर. ठीक है अभी मुझे सोचना पड़ेगा. अभी मुझे इन लोगों की तरह टेंशन हो जाएगी. जिस दिन कुकिंग कर रही होंगी रात भर मैं भी जाग रही होंगी. टेंशन ना ले टेंशन ना ले. जो आपको अच्छा लगे बनाना तो वो आप बना के हमें दिखाइए. मजाक कर रही हूँ. मैमुना की बड़ी अच्छी रेसिपीज है. आज मैंने सोचा है कि रेशमी हांडी ही बनाऊं. हाँ हांडी बहुत अच्छे है वैसे. हाँ इनकी बड़ी अच्छी बनी है. डिफरेंट किस्म की है ना. हाँ इसमें इन्होंने जो शिमला मिर्च भी डाली है तो वो भी आमतौर पे नहीं होती ना हांडी में इस तरह की चीज. वो फ्लेवर तो बहुत अच्छा आ रहा है उससे. हाँ बिल्कुल. और चेदर चीज का और इसका जो है ना पिसा हुआ उन्होंने मुझे. अच्छा क्रीम चीज मैं बोलूं? क्रीम चीज आप अवॉइड भी कर सकती हैं. सिर्फ क्रीम थोड़ी डाल दें. वो नहीं भी डालेंगी ना फर्क नहीं पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल. वो तो बंदा कर लेता है ना थोड़ा सा. और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और इनकी मदर भी बहुत अच्छी है. मुझे बड़ी डिसेंट सी लग रही है. और इन्होंने बड़ी अच्छा इनको कुक बनाया है. बड़ा अच्छा कुक बनाया है. और माँ बाप का सपोर्ट अब मिल रहा है. बच्ची डटी रही अपने फैसले में. माँ ही सिखाती है सबसे पहला. साथ माँ ही होती है ना. वो कुकिंग के हिसाब से तो उसके बाद तो बंदा कोई ना कोई अपनी चेंजेस वगैरह कोई उसमें कर लेता है मजीद अच्छी अच्छा करने के लिए. किसी से सीख लिया जितना आप लोगों से हम लोग सीखते हैं. बहुत अच्छा मसाला टीवी से बड़ा अच्छा हम लोग सीखते हैं ना. अच्छा तो फिर अपना ऐड तो बंदा कर ही लेते हैं. पहली उस्ताद तो माँ ही होती है. बिल्कुल. आपका कराची में होती है?
नहीं मैं मुल्तान से कर रही हूँ. अच्छा मुल्तान में, ठीक है ठीक है. हाँ, मुल्तान भी आई हूँ. हर दफा सोचती थी कि मैं आपसे बात करूँ लेकिन आज हो ही गई आपसे. चलो गुड, वेरी गुड. बड़ी मुश्किल से मिलती है ना कॉल, तो खैर से मिल गई. बहुत बड़ा अच्छा है. बेस्ट लक फॉर यू. थैंक यू. और आपने ये कहा, वाकई आपने कहा कि खुश रहना काफी जरा मुश्किल तो होता है, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है ना कि बंदा नहीं रह सकता, थोड़ा सोचता ही रहता है. खास तौर पे ना जब कुकिंग कर रहा हो उसमें सारी बातें याद आती हैं. या फिर मैंने तो ये नोट किया कि जब नमाज पढ़ रहे हो उसमें भी बहुत सारी बातें याद आती है. उसी टाइम पे तो हमने हटाना होता है, माइंड को शिफ्ट करना होता है, तो कामयाब. ठीक है ठीक है जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज. अच्छा मैं उन्होंने क्या क्या किया है जरा. अच्छा, कुछ कम कर लेंगे. मैंने बस मैश पोटैटो लिया, उसके अंदर बॉइल्ड मिल्क मैंने डाल दिया, आपने नमक काली मिर्च डाल दिया. नमक काली मिर्च डाला था मैंने, थोड़ा सा डाला है एंड थोड़ा सा मैंने रख दिया है बिकॉज उसकी कंसिस्टेंसी मुझे परफेक्ट लग रही है. सही है. अभी और मजीद इसमें कुछ ऐड कर, इसके अंदर सॉस जाएगी. ठीक है, कौन सी सॉस है ये? संदीप. अच्छा हॉट सॉस हम संदीप की इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये अबाउट 1-2 टेबलस्पून. आप अपने हिसाब से आपको कितना हॉट चाहिए. ठीक है ठीक है, अबाउट 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया. अच्छा, और इसको सिंपल आप ये क्रैकर्स के ऊपर स्प्रेड कर दोगी? जी, ये मैं इसकी बेस है. ठीक है, उसके ऊपर मैंने क्रीम चीज़ लगाई है एंड फिर ये मैश पोटैटो का मिक्सचर जाएगा. अच्छा, एक सिर्फ दिखा दो हमें ताकि फिर हम ब्रेक में तैयार कर लेंगे सारा. ये तो ठीक है, ये क्रैकर पे मैंने लगा लिया था क्रीम चीज. ठीक है, अब बस थोड़ा सा लेके. यूनिवर्सिटी वगैरह में ये वो स्टॉल्स वगैरह की आप स्टॉल्स वगैरह बात कर रही हैं? बिल्कुल, जहाँ कहीं इनको मौका मिले. हाँ. पता चले ये फॉरेन एफर्ट करती हैं तो, और अच्छा मतलब फायदा भी होता है उसमें ना, और फीडबैक भी मिलता है, अलग प्रमोशन भी होती है. प्रमोशन भी होती है तो लोग आए खाएं, क्लाइंट इसी तरह से फिर ऑर्डर्स फिर मिलते हैं वगैरह. वेरी गुड. सही है जी, ये हमारे स्टार्टर्स भी हो गए. अब हमारी सिर्फ एक लास्ट रेसिपी रहती है जो कि हम ब्रेक से आने के बाद वो स्टार्ट करेंगे, और जब तक हम ये इन्जॉय करते हैं, थोड़ी सी गपशप लगाते हैं. आप लोग ज़रा किचन विचन का चक्कर लगाइए, सोचिए आज क्या बनाना है, क्या पकाना है. लेकिन जो भी बनाना पकाना है, अच्छी वाइब्रेशंस के साथ पकाना है. एक ब्रेक. भाई मुझे मैमूना का तो पता नहीं, मैमूना की अम्मी तो बड़ा एंजॉय कर रही है शो है. बिल्कुल, मैं तो बहुत एंजॉय कर, मजा आया आज आपको हमारे यहाँ पर आकर स्टूडियो देखकर. एनवायरनमेंट बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ. और क्या परसेप्शन क्या था कि मुझे बस ऐसे कोने में बिठा दिया होगा, लेकिन ये कि नहीं, बहुत अच्छी तरीके से जो है मेरे साथ ट्रीट हुआ है और बहुत मैं अप्रिशिएट करूँगी इस चीज़ को. नहीं माशाल्लाह से हमारी टीम भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर, जितने भी लोग हैं, एक तो हैं ये कई कई सालों से हैं यहाँ पर, ये सारे सब लोग जो हैं कैमरामैन से लेके जितने जो हमारे फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, सब काफ़ी अरसे से हैं, तो बहुत ही एक फैमिली सा एनवायरनमेंट है. मैमूना आपको मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया. शुक्रिया. अच्छा जी, वो तैयार हो गया हमारा, ऊपर हमने पोटैटो लगाया, उसका फ्लेवर वाकई बहुत अच्छा आ रहा है. मैं ऐसे सोच रही थी अगर हमने ऐसे कैनेपीज नहीं भी बनाए, जैसे हम बेक पोटैटो टाइप कुछ बनाते हैं उसके साथ हम ये सॉल्टिश बिस्किट जो होते हैं गोल वाले, वो कुछ सर्व करके दें, वो फ्लेवर अच्छा है आलू और उसके साथ का और चीज़ के साथ का, कुछ मेल्ट कर दें, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी. अच्छा अब हमारी लास्ट रेसिपी लास्ट है, चिकन लज़ोन बना रही हूँ मैं. सही है, इसके लिए अच्छा मैं यहीं पर इसी काउंटर पे. हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल वहीं पर ही. अच्छा ब्राउनी हमने कट नहीं किया, उसको हमने कंटेनर के साथ ही फ्रिज में रखा ताकि वो ठंडी हो, तो हम अच्छे से उसको कट करें, फिर मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी. अच्छा मुझे एक बोल चाहिए होगा बड़ा. हाँ उसकी कुछ मेरे मिक्सिंग करनी है, मिक्सिंग बस ये स्पाइसेस के साथ कोट करेंगे. ठीक है, लो ये हटा देते हैं. क्या क्या चाहिए इसमें, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ यही सेगमेंट है, इसको हम जल्दी से कर लेते हैं. सॉल्ट ठीक है, ये मैं अबाउट 1 टीस्पून ठीक है, ये चला गया. ठीक है, उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर. ठीक है, ये पूरा एक वो है इसका, ये कोटिंग है. ठीक है, 1 टीस्पून पेपरिका. ठीक है, एक टीस्पून ओरेगानो, ड्राइड ओरेगानो लीव्स. ठीक है,
एंड एक टीस्पून अनियन पाउडर. अच्छा, ये सारा मिक्स करके. ठीक है, नमक, लाल मिर्च, पेपरिका, ओरिगानो और अनियन पाउडर और चिकन के फिलेस आपने दिए थे. अच्छा, और ये प्याज व्याज कब चाहिए? ये कुकिंग के टाइम पे, बाद में. ये जब सॉस बन रही होगी उस टाइम. हाँ, तो हम ये सॉस भी साथ ही तैयार करेंगे. ठीक है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा. ओके, वो आप कर दो चिकन, मैं इस सॉस के लिए यहाँ रख रही हूँ ताकि अनियन भी साथ साथ होते जाए. अच्छा, ऑयल भी डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस करने के. ठीक है, और फिर ये आप कोट करो. एंड देन ये फ्राई. ये मैंने चूल्हा जला दिया, ऑयल डालना. जी, शैलो फ्राई. जी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा. सही ना आंटी, टाइम नहीं है ना? बिल्कुल सही बात, स्पीड टाइम मैनेजमेंट. अच्छा, ये बता दो कितना? हाँ, इतना काफ़ी. काफ़ी है, है? इसमें भी डाल लूँ ऑयल थोड़ा सा, या बटर शटर कुछ चाहिए? इसमें भी थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए. ताकि हम उसकी जो सॉस है वो भी तैयार कर देंगे. अच्छा, कोई क्रम अंडा नहीं है इसमें? नहीं, सिर्फ आपने चिकन फिलेस को वो जो मसाला बनाया है उसमें आपसे कोट कर रही हूँ. ठीक है, थोड़ा सा ऑयल लगा के. तीन पीस काफ़ी होंगे या दो? या आई थिंक आप हाँ, जो जितना भी आ जाए पैन में. हाँ, चला है. ओके, काम हल्का ही रखा है मैंने. ठीक है, जब तक ये इसको स्टार्ट करना है इसको भी कर सकती हूँ. इसको डालने के बाद अब रात में शो देखिएगा. बिल्कुल, रात में देखेंगे पूरी फैमिली के साथ. हाँ, पूरी फैमिली, पूरा खानदान ही समझे, बड़ा एक्साइटेड होता है ना. बहुत ज़्यादा. अभी अब टॉक ऑफ द टाउन होगा, टॉक ऑफ द फैमिली होगा ये ममूना का ऐसे लाइव वीकेंड्स में आना. बिल्कुल, अब आपको कॉल्स आएंगे, अरे देखा था माशाल्लाह से ममूना को, फिर ससुराल वाले, ओए होए. अब तो यही चलेगा कुछ टाइम तक. अच्छा, छोटी छोटी खुशियाँ है ना लाइफ में. अच्छा, साथ में मैं सॉस भी बना लेते हैं. हाँ, वो स्टार्ट करते हैं, फिर से लास्ट ब्रेक फिर हम जा रहे हैं. सॉस के लिए क्या चाहिए? सॉस के लिए गार्लिक, या 1 clove ऑफ गार्लिक. ठीक है, हाँ ये स्टार्ट कर देते हैं ना. एंड प्याज, अनियन, या प्याज. ये मुझे टेंशन में डाल दिया. अभी मैं सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँगी जब मैं कुकिंग करूँगी. रेसिपीज तो बहुत सारी हैं लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनानी चाहिए ना. अच्छा, अनियन एंड गार्लिक. ये कौन सी इसके साथ सॉस बना रही हो? क्रीम सॉस. क्रीम सॉस, या चमचा ले लो. स्पैचुला ले लो बेशक. ब्रेक आ रही है. और कुछ डालना है लेमन इसमें? हाँ, बस इसमें इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर चिकन स्टॉक डालनी है. अच्छा, अभी डाल दो? हाँ हाँ बिल्कुल. ओके, ब्रेक से जाने से पहले जो चीज़ें आप डाल सकती हैं डाल दें ताकि हम सामने दिखा दें. मैंने स्टॉक ऑलमोस्ट 1/2 cup चिकन स्टॉक. ठीक है, कुछ सीजनिंग वगैरह एंड नमक. स्लो है वैसे ममूना, है ना? बिल्कुल, मेरा बस नहीं चला. मैंने कहा ममूना थोड़ा जल्दी करो. ओके, बस. अच्छा, कल हमारी जो गेस्ट थी वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड थी, फटाफट फटाफट हर तरह के. हमें, मुझे ना एक्सपीरियंस हो गया है. सुकून से काम करती है ये. हाँ जी, ठीक है, चलें ब्रेक ले लें. उसमें नमक और कुछ डाल? और बस क्रीम. अच्छा, क्रीम भी साथ. तो ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं. या ये ऑलमोस्ट हमारी सॉस डन है. सिर्फ चिकन फ्राई करें. आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. ब्राउनीज कट करते हैं एंड टेस्ट करते हैं. क्रैकर कैनापेस. अच्छा, क्रैकर्स हसपे ज़रूरत. क्रीम चीज़ आधा कप. आलू एक अदद. नमक और काली मिर्च हसपे ज़ायका. दूध आधा कप. थाई स्वीट चिली सॉस हसपे ज़ायका. चिली सॉस 1 से 2 खाने के चमचे. हरा धनिया गार्निश के लिए. चेडर चीज़ स्लाइस 3 से 4 अदद. तरकीब: आलू उबाल कर कुचल लें, फिर नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स करें. दूध उबाल कर इसमें आलू शामिल करके फेंटें. अब क्रीम चीज़ क्रैकर पर लगाकर
उछला हुआ आलू रखें, फिर चेडर चीज स्लाइस रखें, उसके बाद थाई चिली सॉस और चिली सॉस डाल दें, आखिर में हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। चिकन लेजोन विद क्रीम सॉस अज्जा, बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, पेपरिका 1 चाय का चम्मच, ओरिगानो 1 चाय का चम्मच, अनियन पाउडर 1 चाय का चम्मच, कटा लहसुन 1 जवा, कटी प्याज 1 अदद, क्रीम 1 कप, चिकन स्टॉक आधा कप, ताज़ा धनिया हसबे ज़रूरत, जैतून का तेल फ्राई के लिए। तरकीब, बोल में नमक, पिसी लाल मिर्च, अनियन पाउडर, ओरिगानो और पेपरिका मिक्स करें। चिकन ब्रेस्ट 3 हिस्सों में काट कर फिले बनाएं और मसाले से कोट कर लें। पैन को दरमियानी आंच पर गर्म करके जैतून का तेल डालकर चिकन को दोनों तरफ से ब्राउन करें, फिर आंच धीमी करके 5 से 10 मिनट पकाएं। अब पैन में तेल गर्म करके कटी प्याज और लहसुन सौते करें, उसके बाद चिकन स्टॉक और क्रीम डालकर मिक्स करें और इतना पकाएं कि क्रीम गाढ़ी हो जाए। आखिर में हरा धनिया डालें और डिश में निकाल कर गार्निश करें। ये जो ब्राउनीज की रेसिपी आज मैमुना ने शेयर की है ना, ये आपके पास एक बहुत ही वो गोल्डन रेसिपी हो गई है, जो हमेशा चलेगी, एवरग्रीन वाली रेसिपी है। परफेक्ट फजी ब्राउनीज बनी है, ऊपर से आप ये देखें हल्का सा ये क्रिस्पी क्रिस्पी सा वो उसका टॉप लेयर बना है, अंदर से परफेक्ट बेक हुई हुई है, ना ज़्यादा ओवर बेक किया है, ना ये कम, ना चुई, फज ब्राउनी है, प्रॉपर फज ब्राउनी, वेरी गुड, थैंक यू। और कोको बहुत अच्छा है, बिल्कुल, कोको का जो ये लेकर आती है ना मम्मी, वो तो मेरा वो आपका हुआ, कोको अच्छा नहीं होता ना तो ब्राउनी अच्छी नहीं बनती। बाकी बहुत मज़े की रेसिपी है, ये ज़रूर आप बनाइएगा। अच्छा, चिकन ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट इसको निकाल लेते हैं। आज की सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी सबकी सब, और एक तो थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से बच्चों को सपोर्ट करते रहना चाहिए, करना चाहिए, पेरेंट्स को करना चाहिए उनके शौक को। अब ठीक है, अपना भी आप गाइड कर सकते हैं, लेकिन ये जिस जो चीज़ ये अपने शौक से करेंगे मेरे ख्याल से वो परफेक्ट उसमें फ्लरिश करेंगे। थैंक यू सो मच आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया बुलाने का। बस रात आप शो एंजॉय कीजिएगा, देखिएगा। मैमुना थैंक यू सो मच, आप कुछ कहना चाहेंगी जाते जाते? मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी फॉर हैविंग मी हियर, एंड मुझे बहुत मज़ा आया, एंड काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, मुझे ऐसा लगा था अपने घर पर बना रही हूँ ये सब। लेकिन घर में फिर भी बनाना पड़ेगा, आज सालगिरह है मंगेतर की, क्या खिला रही हूँ उन्हें? व्हाटएवर ही वांट्स, अपने हाथ से कुक करके maybe, केक तो जाएगा ही जाएगा, वो तो जाएगा, वो तो परफेक्ट है, वो तो जाना ही है। एनीवेज थैंक यू सो मच, एनएक्स का ये डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर आपके साथ जाएगा आंटी, आपके काम आएगा और इसका थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा इससे। सो थैंक यू सो मच, हमारा आज का शो था, मैं अभी ये चिकन भी ट्राई करूँगी, नेक्स्ट हुआ तो आपको शो पे ज़रूर बताऊँगी। बट ब्राउनी की रेसिपी इज़ परफेक्ट, ये आप ज़रूर बना लीजिएगा, बल्कि एक दफ़ा ये रेसिपी कार्ड चेक कर लेना मैमुना कि उसमें परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, कुछ चेंजेस होंगे तो हम कर देंगे, ताकि लोग अगर देखें रेसिपी कार्ड को तो वो सही रेसिपी जाए। और हांडी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का शो, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी नए मेहमान नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक आप लोग भी सोचिए, अगर मेरे शो पर आना है तो ईमेल कर दीजिए, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपको अपने शो पर बुलाएंगे। तब तक अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए और अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा खाइए। Lively weekends, lively weekends. Har ghar mein jab.